अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन मुनव्वर फारूकी ठग लाइव फ्रॉम बिग बॉस 17। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। और सब्जियां महंगी हुई है अरुण भाई की वजह से। इतना बैंगन इन्होंने इस्तेमाल किया है कि इतनी तो हिंदुस्तान में फसल भी नहीं है बैंगन। तो बात मुनव्वर फारूकी, तो डिंपल मलान ने जो कि ट्रिगर इंसान की माँ है, तो उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि मुनव्वर इज द मेन रीजन पीपल आर वाचिंग। मतलब उनका ये कहना है कि बिग बॉस को ज्यादातर मुनव्वर फारूकी की वजह से लोग देख रहे हैं। बिल, इसमें आपका क्या ओपिनियन है? मैं कॉमेंट में जरूर से बताऊंगा। अंकिता वेजिटेरियन है जी, बट बिग बॉस का मुर्गा जितना अंकिता के लिए कुकड़ू करता है। अंकिता यहाँ पे क्यूट दिख रही थी ना। मुझे तो लगता है बिग बॉस के मुर्गों को गले में खराश की शिकायत सिर्फ अंकिता की वजह से होती है। वो दिन दूर नहीं है कि बिग बॉस खुद मुर्गा लेके अंकिता के ऊपर फेंकना है। लेकिन बिग बॉस ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अंकिता को लेके तो बायस्ड है ना। लेकिन खानसादी की बात यहाँ कोई नहीं सुनता, एक इंसान को छोड़ के। एक इंसान है जो खानसादी की हर बात सुनता है, लेकिन ये बात बिग बॉस तक नहीं सुन पाते क्योंकि वो सारी बातें खुसफुसा कर होती है। वापस विक्की भाई पे आना चाहूंगा। प्राउडली बोलना चाहूंगा कि बिग बॉस का मैं फेवरेट हूँ क्योंकि बिग बॉस ने मुझे ये स्टैंड अप का मौका दिया है। क्योंकि बिग बॉस ने पूरा सीजन देखा है कि जो इंसान उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है उसको स्टैंड अप तो दे ही दिया जाए। देखो थैंक यू सो मच, तो बिग बॉस मुझे ये स्टैंड अप देने के लिए। और विक्की भाई की जब बात चल रही है तो उनकी जो बेटर हाफ है अंकिता, अगर मेरे जोक जो भी है, मेरी जो राइटिंग आज की है अंकिता, अगर आपको अच्छी ना लगे तो प्लीज बुरा मत मानिएगा क्योंकि यू विल बी द सेकंड टाइप पार्ट ऑफ द वर्स्ट राइटिंग आफ्टर बागी। शट अप। ओके। ओह गुड। 11 से 12 सुनो, मैं जब आया ना तो ये लोग किचन में ऐसे ऐसे कर रहे, कुछ गर्म हुई एक्टिंग कर रहे। जब बिग बॉस इनसे बात मुझे लगा कि मेरे यहाँ का खाना लिया या फिर इन्होंने कॉफी ली होगी। कॉफी सबसे पहले तो आई थॉट। 11 से 12 कुकीज चुराई। कोई ना कैप्टन भूलेगा नहीं है। मत भूलना, चोरी भूलेगा नहीं। ये तेरे हैं ना अभी और कपड़े? हाँ, मैं दो मिनट में। लाइट में हो गया, बाइक स्टार्ट करने में हो गया, ईशा के रिलेशनशिप स्टेटस में हो गया क्योंकि उसे हर बार बॉयफ्रेंड के आगे करंट लगाना पड़ता है। जो किसी बॉलीवुड एक्टर से कम मुझे तो नहीं लगता। विकी हमें लगता है नील भाई डायलॉग बोलेंगे लेकिन नील भाई करते बिल्कुल। ये किसी की नफरत का बहाना बन गया हूँ, किसी की हंसी का सहारा बन गया हूँ, टूटने पे उनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते हैं मैं सितारा बन गया हूँ। देता है लेकिन आप लोगों ने साबित कर दिया है। दोस्तों थैंक यू सो मच। और जैसे ही कॉमेडी शो शुरू होता है एक ऑडियंस होती है जो बहुत ही अननोन होती है, लेकिन यहाँ पे आप लोग सब मेरे जानने पहचानने वाले हो, मैं सबको ही जानता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं क्राउड वर्क से थोड़ा आइस ब्रेक करना चाहूंगा। हम सबसे पहले बात करेंगे विक्की जैन से क्योंकि उन्हें बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो विक्की जैन सर, आप बताइए, आप कैसे इंसान है, बाहर की दुनिया में आपको कैसा अच्छा लगता है रहना? मैं बहुत ही मिलनसार इंसान हूँ, मैं बहुत ह्यूमन रिलेशंस पे विश्वास रखता हूँ। तो ह्यूमन रिलेशन के लिए आप फोन सबसे ज्यादा यूज करते हो? फोन का इस्तेमाल। आपका फोन वाइब्रेट पे रहता है या रिंगटोन? रिंगटोन पे रहता है। रिंगटोन पे रहता है, तो फिर आप अंकिता को बार बार ये टोन चेंज करने क्यों बोलते हो? सही था, मनारा देसी गर्ल है आप सब। नहीं सॉरी सॉरी, वो देसी गर्ल वाला आपको प्रॉब्लम है ना, टैक्स है। अंकिता हमेशा बोलती है वो दिल से खेलती है, दिल
दिल से खेलती है, डलेगा क्या? बट किसके दिल से वो नहीं बताती। रिंकू जी, चिंटू को मालूम नहीं था, गलती से उसने चार रोटी खा लिया। अच्छा, मेरी भी खा ली। देखो मैंने इतना देखो सीरियस ले लिया मेरी बात को। अरे यार, मैंने बोला था मेरी भी खा लेना, बर्तन कर दे। तो तू छह खाने दी, तूने चार खा ली सच में? बोला मेरे को लगा दिन में दो है रात में दो है। इसने शाणे ने क्या किया, पहली चार खा ली, दो तो एक्स्ट्रा थी। नहीं नहीं, सच में इनके सामने मेरे को पता नहीं था। हाँ तो वही तो थी, इतना शक्ल देगी इसकी जो। अरे मुनावर के सामने की बात, बिग बॉस इन दोनों को मुझे नहीं पता था कि ज्यादा खाना दिया है। दिया है हाँ, चिंटू को और अरुण जी को भी। ये रिंकू जी देखो ना, यहाँ पे कितनी शाणे बैठी है वहाँ पे। अंजलि लियर पेड आई वांट बाथरूम अरुण भाई उसी को। सब्जी सब्जी ऐसा रख, पकड़ ले, दाल को टच कर, टच करो, दाल मुंह में गप्पो हो गया। क्या बात, क्या बात, ऐसी दे, रुकना नहीं गाड़ी, रुकना नहीं, गप्पो गप्पो गप्पो, पांच रोटी छह रोटी खाली, आंदो आंदो बोलो खाली, गप्पो गप्पो घुमाना शुरू करो उंगलियों को। गर्म है, रुक मार, ओ माय गॉड, ट्रेन घुमाऊंगा पूरा, हिलाओ डुलाओ मिलाओ। वाओ स्वामी, ऐसा उठाओ उठाओ, ये मुंह नजदीक लाओ, ये ऐसा, ये उंगली से ढक लो अंदर मुंह में। क्या बात है, करो एकदम देसी बन जाओ। विक्की जैन सर, आपका फोन वाइब्रेट पे रहता है या रिंगटोन पे? तो फिर आप अंकिता को बार बार टोन चेंज करने क्यों बोलते हैं? मना रहा बाथरूम में आई थी, मुझे बोला कि क्या जोक लिख रहा है। मैंने बोला ये गेम में आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं है, तो आपको जानने की जरूरत। कसम ये लास्ट वाला खतरनाक था, गेम में आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं है। तो एक्चुअली कमेंट था जो मैंने पढ़ा था कि मनारा एक हफ्ते से शांत है और मुनावर के अगेंस्ट कुछ बोली नहीं, बट मुनावर उसको टॉन्ट मारते हुए हमको दिखाई दे, तो ऐसे क्यों कर रहा है, नहीं करना चाहिए नॉल दो सिंह। अरे एक्चुअली क्या हुआ, यू नो लाइक किसी को चटका बैठा है तो वो अगला स्टेप है ना ध्यान से रखेगा, पता है कि बाबा ये इंसान ने मेरे पीठ पीछे, मतलब समझने भी नहीं दिया कि ये मेरे पीठ पीछे ये सारी बातें करेगी, क्योंकि सामने तो ये बहुत प्यारी दोस्त बन रही थी, तो इसलिए अभी शायद उसको एक डर बैठ गया। जबकि अभी मनारा ने एक्चुअली एक हफ्ते में कुछ ऐसा कुछ गलत बोला नहीं था, सिर्फ कैप्टेंसी वाले इसमें उसने बोला था कि वो भी तो बोल सकता था कि इसको दे दो कैप्टेंसी वगैरह, ये उसके मन में आया होगा, बट वैसे देखा जाए तो कुछ बोला नहीं, वो मैं जेन्युइनली मानती हूँ। फिर अंकिता के साथ अभी जो लड़ाई हुई हो रही है मुनावर की, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों हो रही है, मतलब बिग बॉस ने लगवा के दिया है, क्लियरली बिग बॉस ने अपने तरफ से लगवा के दिया लड़ाई, क्योंकि मुझे लगता है बिग बॉस वांट्स कि फाइनल में मुनावर वर्सेस अंकिता हो। अगर ये सब लोग इतने प्यार से रह रहे, इतने दोस्ती दोस्ती में रह रहे, तो किसका वर्सेस क्या होगा, कौन होगा टॉप टू, एकदम कंफ्यूजिंग हो जाएगा लोगों के लिए, बिकॉज ये बहुत थोड़ी शांत चल रहा सीजन है। जैसे कि कल अचानक से वो अंकिता का क्लिप दिखाना मुनावर को, अचानक से सारी चीजें करना, दिस इज अ बिट डिफरेंट, मतलब मेरे को ही अजीब लग रहा है इस बार बिग बॉस ऐसे क्या चालू है करके, नहीं ऐसे हुआ किसी की ऐसे कड़क दुश्मनी या दोस्ती या कुछ ऐसे कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि ये लोग घर से रिश्ते लेके आए, ऐश्वर्या और नील, नील चला जाए, ऐश्वर्या का किसके साथ कनेक्शन है, किसके साथ नहीं, और अंकिता का तो फिर भी है, चलो विक्की का तो फिर भी है मान लेती हूँ, और उल्टा मुझे लगता है कि ये लोग सबके साथ मिलजुल के अच्छे से रहते हैं, मुनावर का भी है, सबके सब लोगों ने टिकट लग्जरी आइटम छोड़ के टिकट लेके गए थे कॉमेडी शो देखने, लग्जरी आइटम छोड़ के, ये बहुत बड़ी बात हुई, और क्या पैसा वसूल शो था। नहीं आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियाले सा बाय।